बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुमान अहमद और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है घर के अंदर एल्युमिनियम की खिड़कियों के हवाले से। तो घर के अंदर खिड़कियाँ कौन सी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, इनको लगाने का क्या तरीक़ाकार है, और सबसे अहम बात कि इनकी नई प्राइसेस मार्केट में आ चुकी हैं और बेतहाशा इजाफा देखा गया है। इनका नोटिफिकेशन हमें मिल गया है जिसका लागू शायद आज से हो जाए या कल से हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ 1.2 गेज के हवाले से, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% पाकिस्तान के अंदर 1.2 गेज ही इस्तेमाल होती है, और बाकी 20% तकरीबन 1.6 लोग भी गेज भी इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 20% जिनका बजट लो होता है वो तकरीबन 0.9% जो गेज होती है वो यूज़ करते हैं। 0.9 भी एक ज़रा हल्की क्वालिटी की होती है लेकिन रिजनेबल होती है। तो ज़्यादातर चांस जो होते हैं लोग 1.2 की ही यूज़ करते हैं। हम लोग बात करेंगे चावला की, जो कि पाकिस्तान के नंबर वन ब्रांड है, उसके बाद प्राइम की, उसके बाद दूसरी जो कंपनी है कि अल्कोटेक है और इतिहाद है, और दूसरी कंपनियों के बारे में हम आज हम बात करेंगे 1.2 के हवाले से ही। इसके अंदर आप शीशा कोई सा भी लगा लें, मरकरी लगा लें, वन वे लगा लें, ओशन ब्लू लगा लें, ग्रीन लगा लें, और दूसरा जो है ब्राउन कलर का या मरकरी लगा लें। तो जो नई रेट लिस्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा देखा गया है। उसकी वजह ये है कि जैसा कि आपको पता है मुल्की और माशी जो सूरत हाल है वो तकरीबन जो है स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर के रेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, और इसी इन्फ्लेशन के मद्देनज़र जो है लोगों कंपनियों ने ना बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया। तकरीबन हर कंपनी ने ही प्राइस को जो है ना वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे 1.2 के हवाले से कि उसमें कितने परसेंट इजाफा हुआ है, और पहले क्या रेट थे और आज का रेट क्या है। इसलिए तो मेरी वीडियो मुकम्मल देखेगा। सबसे पहले हम साइट का विज़िट करेंगे, साइट पे आपको बताएंगे कि हमने कौन सा मरकरी एल्युमिनियम लगाया है, उसके अंदर हमने कौन सा ग्लास यूज़ किया है, उसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग साइट पे। साइट पे विज़िट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू रेट लिस्ट आई है वो क्या है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अपनी साइट पे मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और हमने इसमें 1.2 गेज के साथ मरकरी ग्लास यूज़ किया है। इसको लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो फ्रेम है एल्युमिनियम का इसको अच्छी तरह फिक्स करना है। फ़िक्स करने से पहले आपने इसको वाटर लेवल करना है, ताकि आपकी जब ये एल्युमिनियम की खिड़की लगे तो वो बदगुनिया ना हो और उसमें टेढ़ापन नज़र ना आए। तो वाटर लेवल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से इसको ड्रिल करके फ़िक्स कर लेना है, उसके बाद इसके ऊपर ग्लास फिक्स करना है। घर की फ्रंट खिड़कियों के सामने आपने कोशिश करनी है कि मरकरी ग्लास यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपको घर के अंदर का सीन नज़र नहीं आएगा, लेकिन घर के अंदर से बाहर का सारा व्यू नज़र आएगा। तो बाकी अब आपको दूसरी खिड़कियाँ दिखाते हैं, जैसे कि ये किचन की है, यहाँ पर हमने ब्राउन कलर में यूज़ किया है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस के ऊपर। तो इस वक्त प्राइस जो है वो सबसे पहले बात करते हैं चावला की। चावला कंपनी की जो ओल्ड प्राइस थी 1.2 की वो 1100 रुपये थी, और नई जो रेट लिस्ट के मुताबिक है वो 1160 से 1180 रुपये है, यानी कि ये तकरीबन 60 रुपये से 80 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। इसके बाद दूसरी जो अच्छी कंपनी है वो प्राइम है। प्राइम की भी प्राइसेस वो तकरीबन जो ओल्ड थी 1.2 की वो 1080 के करीब थी, जो कि बढ़कर 1060 से 1070 रुपये, यानी कि यकमुश्त उन्होंने 70 से 80 रुपये का इजाफा किया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दो मेन कंपनी थी चावला और प्राइम। इसके बाद जो थर्ड ग्रेड पे आती है यानी कि एलकॉन और जीआर कंपनी है, इसकी जो 1.2 की जो ओल्ड प्राइस थी वो तकरीबन 940 से 950 रुपये, 960 रुपये थी, जो कि अब इस वक्त 1040 से 1050, 1060 रुपये के हिसाब से आपको मिलेगी। इसके बाद जो आम फिर लोकल कंपनी आ जाती हैं, जो कि जिसमें पाक, एल्टा, इत्तेहाद और दूसरी जो डिफरेंट कंपनी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उसकी प्राइस जो कि ओल्ड प्राइस थी 1.2 गेज की हम बात कर रहे हैं, जो कि 800 रुपये से 820 रुपये थी, उनकी प्राइस को बढ़ाकर 880 रुपये से 900 रुपये तक कर दिया है। 910 रुपये भी मार्केट में रेट अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 880 से 900 रुपये के बीच में आपको रेट अब नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इजाफा है, यानी कि 70 से 80 रुपये बढ़ा दिया गया है।
तो इस हिसाब से आपकी कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। 10 मरला घर में टोटल खर्चे के बारे में बात करें जो कि एल्युमिनियम के हवाले से वो तकरीबन 3.25 लाख से 3.5 लाख था जो ओल्ड प्राइस के हिसाब से, और आज के न्यू प्राइस की लिस्ट के हिसाब से तकरीबन आपके घर में 4.25 लाख रुपये खर्चा आएगा। ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी कि लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, एवरीथिंग, हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।